सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम यहाँ पर रानी रंगा कलीसिया के साथ सहभागिता रखने का मौका मिला और प्रभु का वचन बांटने का भी अवसर हमको मिला और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और ये समय आपके लिए लाभदायक बने ऐसा हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम की वेला में प्रभु जी, हम आपके चरणों पे आए प्रभु जी और कुछ बातें हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करना और प्रभु जी जो कुछ भी बातें हमने पढ़ा और सीखा प्रभु जी, उसको बोलने के लिए आप हमको बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी और आपके पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए, ऐसा हमारा प्रार्थना है प्रभु जी। और जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, आप उनके दिलों से बात कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका पवित्र आत्मा के बिना आपका वचन को हम समझ नहीं पाएंगे और प्रभु जी इस पर हम लोग मनन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों पे सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप करते हैं, आमीन। तो आइए मेरे साथ प्रेरितों का काम इसका 14वां अध्याय, और मैंने बोला कुछ भाग रह गया था जिसके वजह से आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसका एक्ट्स चैप्टर 14:19-23, प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय 19-23 तक हम लोग पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और बड़ा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बर्नबास के साथ दिर्बे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर दूसरा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। थैंक यू राजेश, परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दें। अभी उस 22 पद में पॉल कह रहा है कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश के साथ उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और ये बातें पिछले बार भी हमने देखा, थोड़ा सा उन बातों को थोड़ा ताज़ा करेंगे, याद करेंगे कि क्या क्लेश हुआ था पौलुस के जीवन में। और कभी कभी मैं सोचता पॉल और बार्नबास ये दोनों साथ ही प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब पथरवा हुआ तो खाली पॉल को ही लगा, बार्नबास कहाँ था मुझे मालूम नहीं। शायद बार्नबास घर के अंदर था और पौलुस जो है एक स्पोक्समैन के तरह, वो स्पोक्समैन शब्द क्या है ब्रदर, आपने पिछले बार हमको बोला था, प्रवक्ता के रूप में वो आगे जाता है और बोलता है, जिसके वजह से उसको ये सारे पत्थर उसको लगा। तो यहाँ पर क्लेश जब हमको सामना करना है तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, प्रभु यीशु मसीह के वजह से, या मैं मसीह का आदमी हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ यीशु मसीह के बारे में, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये क्लेश हो रहा है। क्योंकि दुख और संकट, समस्या, क्लेश हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोगों को सहने को पड़ता है। उदाहरण के लिए मेरा दोस्त जो धूपगुड़ी से आया था, दो दिन मेरे साथ रहा, वो आज उसको नौकरी मिला, तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उसको नौकरी मिला। लेकिन वो, उसका जन्म हुआ ढाका में, बांग्लादेश में, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जितने हिंदू थे बहुत सारे हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर यहाँ नॉर्थ बंगाल में या साउथ बंगाल में भी उनको जाकर रहना पड़ा। और ये परिस्थिति हम लोग जानते हैं कि धर्म के वजह से बहुत सारे लोगों को क्लेश का सामना करना पड़ा। और जब वो यहाँ पर आया, इंडिया में आया 1992 में, जब मैं तो 2013 में आया, उसको पहले बार मिला, पहले बार मैंने देखा तो उसका पिताजी गुजर गए उसी दिन, वो पहले बार मैंने उसको मिला। फिर कुछ दिन बाद उसका माँ बीमार होगा, अभी आज माँ बहुत ही बीमार अवस्था में है, और उसका
भाई दादा जो है वो पैरालाइज्ड पैरालिसिस हो गया उनको, और वो टीवी मैकेनिक है, लेकिन अचानक कुछ पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ उनको और वो खाली बेड पर खाट पर सोया रहता है, कुछ भी नहीं कर, अपने आप खाना भी नहीं कर सकता है, बाथरूम भी नहीं जा सकता, ऐसा परिस्थिति में उसका दादा और उसका माँ है। तो वो बोला मैं बहुत संकट में हूँ, मैं क्लेश में हूँ, धूपगुड़ी में मुझे काम नहीं मिल रहा है, सिलीगुड़ी में मुझे थोड़ा काम दीजिए। तो मैं बोला ठीक है तू आ जा, मैं तुमको थोड़ा हेल्प करूँगा, और आज उसको एक काम मिला। तो कहने का मतलब वो विश्वासी भी नहीं है, लेकिन उसको क्लेश का सामना करना पड़ रहा है। और शायद आप भी कैसे कुछ लोगों को अलग धर्म के लोग के होंगे, लेकिन उनको भी क्लेश का सामना करना पड़ रहा है, दुख भोग करना पड़ता है। उदाहरण अभी यहाँ पर जब पॉल और बर्नबास के हाथों से जब ये चमत्कार होता है, एक लंगड़ा चलने लगता है, तो वहाँ उस गांव के लोगों ने क्या बोला कि देवताएं आए हमारे बीच में, लेकिन पॉल क्या करके बोलता है वो देखो, वो 15 पद को जरा पढ़िए हिंदी में। हाँ, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख, आगे पढ़ो, भोगी मनुष्य, हाँ, और तुम्हें समाचार सुनाते हैं, यह अलग होकर इसे परमेश्वर, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो है आया है। ठीक है, तो वहाँ पर पॉल कह रहा है हम भी आपकी तरह दुख भोग कर रहे हैं। तो दुनिया में जब आप जन्म लेते हैं तो दुख सुख दोनों चीज हर धर्म के लोगों को सहना पड़ता है। तो मसीह लोगों का जो दुख क्या है फिर, और हमारा दुख क्या दुनिया के दुख से अलग है या नहीं है? देखो, हम लोगों को भी दुख का सामना करना है, उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा नजरिया या हमारा रवैया अलग है। Our attitude towards that suffering is different. क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये संसार थोड़े दिनों के लिए, ये दुनिया थोड़े दिनों के लिए, इसके बाद मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना है और हम प्रभु के पास जाएंगे। तो हमारे पास एक जीवित आशा है जो संसार के लोगों के पास नहीं है। और जब दुख आता है हमारे जीवन में तो हम मुस्कुरा के उस दुख का सामना कर सकते हैं बिना डर के। वी कैन एंड्योर द सफरिंग विद अ स्माइल ऑन अ फेस बिकॉज वी नो दैट वी हैव अ लिविंग होप। हमारे पास एक जीवित आशा है जो दुनिया के पास नहीं। और यही बात पौलुस यहाँ पर इन नए विश्वासियों को समझाने का कोशिश कर रहे। देखो, हम लोगों को दुख का सामना करना है, लेकिन एक राज्य है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है उसी पद में, 22 पद में लिखा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब अभी तक हम वहाँ पर आया नहीं। हाँ, परमेश्वर का राज्य मेरे दिल में है, जिस दिन मेरा उद्धार हुआ है परमेश्वर का राज्य मेरे दिल में है। गॉड हैज कम एंड एंटर्ड इनटू माय लाइफ एंड आई हैव हैंडेड ओवर माय लाइफ टू द लिविंग गॉड। लेकिन शारीरिक रीति से भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर राज करने वाला, और इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु आप अपना राज्य को लेकर आइए। और जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा तो उस राज्य में कोई पाप नहीं होगा। तो हमारा जो समस्या, जो दुख, जब हम देखते हैं, हमारा नजरिया या हमारा दृष्टिकोण या हमारा रवैया अलग होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक अच्छे जगह में जाने वाले हैं। तो यहाँ इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि पॉल और बर्नबास को देवताओं के रूप में देखा। किसी को याद है और एक जगह ये प्रेरितों का पुस्तक में जहां पर पॉल को देवता के रूप में देखा, किसी को याद है? डज एनीबॉडी रिमेंबर अनदर इंसिडेंट वेयर पॉल वाज कॉल्ड अ गॉड? प्रेरितों का पुस्तक में किसी को याद है? ये परीक्षा चल रहा है। यस, बिल्कुल सही है। 28 अध्याय और 6 पद को पढ़िए, एक्ट्स चैप्टर 28 वर्स 6। यस, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। ये कोई देवता है। देखो, बहुत सारे चमत्कार आज भी होते हैं, पास्टरों का प्रार्थना से बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं, वो पास्टर उस चर्च का देवता बन जाते हैं। और ये दुख की बात है, आज करिश्मेटिक चर्चेस में यही है, वो पास्टर ही उनका भगवान बन जाता है। लेकिन यहाँ पौलुस क्या करता है, जब लोगों ने उसको शाबाशी करने आए, वो देवता के रूप में उसको देख रहा है, पौलुस क्या करता है, अपने कपड़ों को फाड़कर, बोथ पॉल और बर्नबास दोनों भी अपने कपड़ों को चीर कर
वहाँ पर बोलते हैं, भाई लोग हम भी आपके तरह ही दुख भोग करने वाले लोग हैं, आप क्यों हमको देवता के रूप में देख रहे हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी पापी हैं, लेकिन हम आपको आपको जीवित ईश्वर के बारे में, वो सृष्टिकर्ता के बारे में बताने के लिए आया है। और देखो यहाँ पर समस्या क्या, ये पिछली बार भी हमने देखा कि पौलुस अन्य जाति मतलब जो गैर यहूदी है, जो यहूदी जाति से नहीं आया, उनको शास्त्र के बारे में पता नहीं है, तो उनको सुसमाचार कैसे सुनाएंगे। 13वां अध्याय में जब हम पौलुस का पहला प्रचार के बारे में देखता है तो वो बाप दादाओं के बारे में बताता है, पुराना नियम के बारे में बताता है, लेकिन अभी यहाँ अन्य जाति गैर यहूदी है, उनको कौन सा अभिवचन के बारे में मालूम है, कौन सा बाप दादाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन सा शास्त्र के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब पौलुस प्रचार करता है, सृष्टिकर्ता के बारे में बताता है, और यही तरीका आज भी हम भारत देश में अपनाते हैं, कैसे हम ऐसे लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं जो 33 कोटि देवी देवता को रखा है, कैसे उनको सुसमाचार सुनाएंगे, हम बताते हैं सृष्टिकर्ता के बारे में जिसने आकाश और धरती को बनाया। उस सृष्टिकर्ता के पास जब हम देखते हैं, ताकते हैं, उसका चरित्र को हम देखते हैं, तब सुसमाचार को हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर दुख और क्लेश के बारे में पौलुस बताता है और हम लोगों को इसका सामना करने के लिए बोलता है, लेकिन ये दुख हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के वजह से भी हम लोगों को उठाना है। और पौल के साथ ये जो घटना हुआ, पॉल को पत्थरों से उसका पिटाई या उसको लगा था, इंग्लिश में उसके लिए एक शब्द है लिंचिंग, पॉल वॉज लिंच। कितने लोगों ने ये शब्द सुना, लिंच सुना है, यस। तो लिंचिंग का मतलब जब एक भीड़ किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करता है, बहुत गुस्से में आते हैं और उसका पिटाई करते हैं, पत्थर से मारते हैं, तो उसको बोलते हैं लिंचिंग, मॉब मेंटालिटी, मतलब एक भीड़ का गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है तो एक आदमी को मार देता है। तो यही ऐसा ही घटना हुआ, और ऐसा घटना प्रेरितों का 7वां अध्याय में भी हुआ, एक्ट्स चैप्टर 7, हु वाज लिंच्ड और हु वाज स्टोन्ड, हु वाज स्टोन्ड, स्टीफन, यस, स्टीफन के साथ इसी प्रकार का घटना हुआ। अभी पॉल को वही चीज बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसको शायद आया होगा, अरे मेरे वजह से स्टीफन भी मर गया था, मेरे वजह से पूरा यहूदी लोगों ने पत्थरों से स्टीफन को मार दिया, अभी मैं वही दुख भोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पौलुस के साथ जो घटना हुआ, पत्थरों से जिस प्रकार से उसको मारा, बहुत ही बुरा हुआ। How many of you have been hit by a stone? कितने लोगों को पत्थर का चोट लगा है? Have you been hit by a stone anytime? Yes. कैसा लगा आपको? हाँ, क्या हुआ होगा? थोड़ा सिर फट गया, थोड़ा खून निकल गया। Did that happen recently? No, long back in school. Rajesh, आपके साथ हुआ कभी? कभी पत्थर नहीं लगा? कभी कहीं पर भी नहीं? नहीं, पत्थर अगर लगेगा तो माथा फट सकता है या वहाँ पर एक बड़ा अंडा जैसा बन जाएगा। हाँ, एक पत्थर के वजह से इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ भीड़ है, 100 से ज्यादा पत्थर उसको लगा, क्या हुआ होगा पॉल का? जरा सोचो, जस्ट इमेजिन, जिस प्रकार से पॉल को इस पत्थरों का सामना उसको करना पड़ा, लेकिन पॉल ने वो कभी नहीं भूला कि मुझे पत्थरों का सामना करना पड़ा। इसलिए वो 2 करिन्थ 11:25 में भी लिखता है कि मैंने क्या क्या दुख भुगत लिया। देखो, पढ़ो 2 करिन्थियंस 11:25। जब पॉल अपना समस्याओं को बता रहा है, क्या क्या दुख उसने सहा, वो बात उसको याद है, एक बार मुझे पत्थरों से मारा था, वो कभी नहीं भूला। और गलतियों का पुस्तक भी जरा खोलिए, Galatians 4:13-15, वहाँ पर भी पौलुस इस बात को याद दिला रहा है, गलतियों का विश्वासियों को ये बात याद दिला रहा है। जरा पढ़ो, तो पॉल यहाँ पर ये गलतियों के लोगों को क्यों बोल रहा है, याद करो मैंने क्या दुख उठाया और तुम लोग मुझे एक स्वर्गदूत के समान मुझे स्वीकारा और मेरा दुख में तुम लोग अपना आंखों को निकाल के भी देने के लिए तैयार थे, ऐसे आपने मेरा देखभाल किया। और पॉल ने
ये गलतियों के विश्वासियों को ये लिखा। और क्यों? क्योंकि अभी जितने भी नाम यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि जैसे वो 19 पद में हम लोग अंतिकिया और इकोनियम, हाँ, ये दो शहर जो गलतियों का क्षेत्र में आता है, और लिस्ट्रा 8 पद में हमने पढ़ा कि लिस्ट्रा में यही जगह है जहाँ पर पॉल को पत्थर के साथ मारा था। ये सारे गांव या शहरों के नाम जो है गलती का क्षेत्र में आता है। और जब पॉल ने ये चिट्ठी लिखा गलतियों के विश्वासियों को, वो याद दिला रहे, देखो मैंने क्या क्या दुख उठाया। और पॉल ने तिमतियों को भी याद दिलाया, जरा इस पद को जरा पढ़ो, 2 तिमोथी 3:11। हाँ देखो तिमोथी को वो कह रहा है, अभी पॉल का अंत आ गया, कुछ ही दिन बाद वो मरने वाला है, उसका ये आखिरी चिट्ठी है, और वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा अवस्था में वो ये तिमोथी को एक चिट्ठी लिख रहा है। और वो तिमोथी को बोला, याद करो अंतिकिया में मुझे क्या क्या दुख सहना पड़ा। तो मतलब जिस प्रकार से उसको पत्थर से मारा वो कभी नहीं भूल सकते, जीवन भर उसका जीवन का अंत आ गया, वो याद कर रहा है कि कैसे लोगों ने मुझे पत्थर से मारा। तो कोई कहता है कि यहाँ पर पॉल मर जाता है, अभी मुझे मालूम नहीं सच में पॉल मरता है या नहीं, लेकिन अगर आप 2 कुरिन्थ 12:3-4 पढ़ेंगे तो पॉल को एक स्वर्गीय दर्शन मिलता है। और बहुत सारे बाइबलों का पंडित या कमेंटेटर्स जो है वो कहते हैं कि जब पॉल को पत्थरों से मारा था तब उसी समय उसका एक स्वर्गीय दर्शन भी हुआ। अभी मुझे I cannot be sure, मुझे मालूम नहीं, इसमें पक्का मैं नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि उसी समय जब वो पत्थरों से उसको मारा था वो मर गया और उसका आत्मा स्वर्ग में गया, और वहाँ पर वो कुछ चीज़ें स्वर्ग में उसको दर्शन मिला, और वहाँ पर जब उसका लाश वहाँ पर गिरा या उसका शरीर वहाँ पर गिरा था तो शिष्य लोग क्या कर रहे थे, जरा पढ़ो उस पद को, दैट इज वर्स 20 20 पद को जरा पढ़ो, 14:20। तो वो बाकी के चेले लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, इंग्लिश में लिखा है, दे स्टूड नियर हिम बाय व्हाइल द डिसाइपल स्टूड अराउंड हिम, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तो क्या कर रहे थे, व्हाट डू यू थिंक दे वर डूइंग देयर। पॉल का शरीर वहां पर गिरा है, बाकी के चेले उसको घेर कर वहां पर खड़े हैं, क्या कर रहा है, तमाशा देख रहा है, क्या कर रहा है वहां पर, यस वो लोग निश्चय क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहां से हम लोग एक चीज सीखते हैं जो बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत ही अच्छा बात है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग एनी बिलीवर्स कैन डू। जब आपका एक जाना पहचाना व्यक्ति दुख में है, संकट में है, कष्ट में है, आप उनके लिए क्या कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। और शायद पॉल मर गया, शायद, मुझे मालूम नहीं, आई कैन नॉट बी श्योर, लेकिन उनका प्रार्थनाओं का उत्तर उनको जरूर मिला, क्योंकि जब वो लोग ऐसे उसको घेर कर खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पॉल खड़ा हो जाता है। जरा सोचो, पत्थर से आपको लगा, एक पत्थर अगर आपको लगा तो कितने दिन छुट्टी ले लेंगे आप, काम से या स्कूल से कॉलेज से, एक बड़ा पत्थर आपको लगा सिर पे, कल स्कूल जाएंगे आप, काम पे जा सकते हैं, नहीं, मैं एक महीना छुट्टी लूंगा, ब्रदर आज मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे चोट आ गया, आज आप सेवा देख लीजिए, एक महीना मैं छुट्टी कर दूंगा। लेकिन पॉल ने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, जिस शहर से उसको इस प्रकार से पत्थर से मारा, वापस उसी शहर में वापस जा, और अगला दिन और भी शहरों में जाकर प्रचार करना शुरू करता है। तो कहने का मतलब वहां पर एक चमत्कार होता है, शिष्य लोग प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर देता है, पॉल तुरंत उठता है, प्रचार करने के लिए जाता है, इमीडिएट परमेश्वर उनका प्रार्थना का उत्तर तुरंत देता है, और उसको शक्ति मिलता है और वो चला जाता है। तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, कमेंटेटर्स लोग कहते हैं कि उस समय जब वो गिरा है तो उसको स्वर्ग का दर्शन मिलता है, उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हुआ है। और ये आप लोग
इसके बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को के जीवन में जब उनका एक्सीडेंट होता है या कुछ दुर्घटना होता है या ऑपरेशन थिएटर में जब वो है, जब वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो एक ऐसा स्वर्ग का दर्शन उनको मिलता है और फिर डॉक्टर जब उनको रिवाइव करता है तो वो वापस आते हैं। तो एक कलकत्ता का एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसके जीवन में ऐसा एक दुर्घटना आता है जिसके वजह से उसके परिवार के लोग सोचते कि वो मर गया, लेकिन उसको एक स्वर्गीय दर्शन मिलता है। मतलब मरने के बाद सफ़ेद रंग का एक ज्योति से वो जा रहा है और फिर वहाँ पर वो ऐसा लगता है कि एक सुंदर जगह पे वो पहुँचा है। तो आंखें खुलता है तो देखा वो ऑपरेशन थिएटर में है। तो उसको लगा कि मैं तो दुर्गा का पूजा करने वाला आदमी हूँ, लेकिन जब मैंने ऐसा दर्शन देखा तो वहाँ कोई दुर्गा वगैरह कोई है ही नहीं। तो उसने फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया और बाइबल में स्वर्ग का दर्शन के बारे में उन्होंने देखा, जैसा पौलुस ने लिखा होता, जैसा पौलुस ने लिखा है वैसा ही मुझे थोड़ा सा देखने को मिला। स्वर्ग एक बहुत सुंदर और अच्छा जगह है और परमेश्वर का पवित्रता का एहसास मुझे हुआ। लेकिन जो संसार में जिस प्रकार से इतने सारे देवी देवता हैं वो कुछ मुझे देखने को मिला नहीं है। ठीक है, थोड़ा 2 कुरिन्थ 12:3-4 जरा पढ़ो। 2 कुरिन्थियंस 12:3-4। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ तो यहाँ पर ये जो पॉल अपने बारे में ही कह रहा है कि मुझे एक स्वर का दर्शन मिला, लेकिन ये उसी समय पे हुआ या नहीं हुआ वो कमेंटेटर्स का समस्या है। वो लोग इसके ऊपर तर्क करते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है, ये दूसरा है या दूसरा समय पे है। अभी उस विषय में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि जब पॉल के साथ ये पथरवा हुआ उसी समय उस स्वर का एक दर्शन भी मिल जाता, हो सकता है। लेकिन इससे हम लोग क्या सीखते हैं, व्हाट इज देयर टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। एक तो हम लोग देखा कि संकट के समय जैसे पॉल वहाँ पर कह रहा है, वो प्रेरितों का काम 14 अध्याय में बहुत सारे दुख और क्लेश से हमको जाना है। फिर 23 पद में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने उसके बाद ही प्राचीनों को नियुक्त किया। तो इसका ये मतलब है जब प्राचीनों का एक जिम्मेदारी है, प्राचीनों का एक काम है कि जब नया विश्वासी आ रहा है उसको दुख का सामना करना पड़ेगा, विरोध होने वाला है उसके घर से। तो प्राचीनों का जिम्मेदारी है कि उस भाई को मदद करे, उसके घर पे जाकर प्रार्थना करे, उसका क्या समस्या वो लोग सुने और जितना हो सकता है वो नया विश्वासी को मदद करे, क्योंकि नए विश्वासियों को दुख का सामना करना पड़ेगा, दुख के बिना वो प्रभु के पास नहीं आ सकते। और प्राचीनों का जिम्मेदारी वहां पर जाकर उनको मदद करना है। ठीक है, तो ये पहली बात हमको सीखना है। लेकिन इसका नतीजा जो पॉल ने बहुत सारा दुख उन्होंने वहां पर सह लिया, उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा गलती का क्षेत्र में बहुत सारे मंडलियां शुरू हुआ। और हम लोग इससे कह सकते हैं क्योंकि पॉल ने गलतियों का चिट्ठी उन्होंने लिखा उन्हीं विश्वासियों को जिस समय उसको दुख का सामना हुआ, जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया, जिसने उसके लिए उसको मदद किया, उनको वो चिट्ठी लिखता है कि देखो याद करो मैंने क्या क्या दुख तुम्हारे लिए सहा। फिर हम लोग देखेंगे 16 अध्याय और 1 पद, उसी क्षेत्र से उसी जगह से एक नौजवान विश्वासी बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति विश्वास में आता है। क्या नाम है उसका, 16:1 में रीड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यंग मैन। हाँ, तो कौन था ये, तिमोथी, ये नौजवान जो है तिमोथी, और पॉल उसको अपना बेटा, आत्मिक बेटा करके वो बोलता है, स्पिरिचुअल सन। और ये तिमोथी के वजह से बहुत सारे पौलुस का लिखा हुआ चिट्ठियों को आज हमारे हाथों में है, क्योंकि तिमोथी शायद वो स्क्राइब था, लिखने वाला, पॉल बोलता था और तिमोथी क्या करता था, लिखता था। तो तिमोथी अगर विश्वास में नहीं आता तो बहुत सारे किताबों को हम लोग हमारे हाथों में नहीं मिलता। वो पॉल का एक आत्मिक बेटा और पौलुस का प्रचार को आगे बढ़ाया, और जब पॉल
दुनिया छोड़कर जाता भी, तो तिमोथी पौलुस का काम को आगे बढ़ाता है। तो तिमोथी पहला एक फल है, बहुत और भी लोग थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग आए, महत्वपूर्ण लोग जो आए, पहला कौन है? तिमोथी। दूसरा, उसी दुख भुगतने के वजह से और एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो तिमोथी से भी इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, कौन है जरा? 16 अध्याय पहला 6 पद को पढ़िए और इसके बाद 10 पद को पढ़िए, verse 6 and verse 10। तो कोई बता सकता है ये कौन है? यहाँ पर 6 पद में हमने पढ़ा पॉल अपने साथियों के साथ गलती का क्षेत्र में है, वही जगह जहाँ पर उसके साथ पथरवाह किया, और 10 पद में वहाँ बोल रहे हम मकदोनिया की तरफ चले गए। ये हम में कौन है? बिल्कुल सही, लुका। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति विश्वास में आया उस दुख जो पॉल ने दुख सहा उसके वजह से, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति लुका। और मैं क्यों बोल रहा है ये तिमोथी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों? लुका, लुका के वजह से आज हमारे हाथों में क्या है? यस, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल एंड द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लुक। अगर लुक उस समय में विश्वास में नहीं था, खाली मत्ती मार्क और योहन्ना होता है, लुक नहीं होता है, लेकिन पॉल क्या उस दुख भोगने का वजह से तिमोथी आता है? लुका, विश्वास। तो प्रभु का काम कैसा अद्भुत तरीके से, इतना बड़ा दुख सहने के बाद, एक प्रकार का जिस प्रकार से एक माँ को दुख का सामना करना पड़ता है बच्चों को जन्म लाने के लिए, द पेन दैट मदर हैज टू एंड्योर टू गिव बर्थ, उसी प्रकार उससे भी प्रकार ज्यादा शायद उसको दुख का सामना करना पड़ा है। और दो नौजवान लोग प्रभु में आते हैं, ठीक है, तिमोथी एंड लुक। और पॉल क्या बन जाता है? एक नमूना बन जाता है हमारे लिए, आज प्रचारकों को, मिशनरियों का एक नमूना बन गया, कि अगर आपको मिशनरी बनना है, प्रभु का काम करना है, अगर फल देखना है आपका कार्य में, काम में, आपको दुख भुगतना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, दुख सहने के बाद ही आपको फल मिलने वाला है। और जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं कहाँ दुख सह रहा हूँ, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी चाहिए, गाड़ी चाहिए प्रभु ने गाड़ी दिया, चार चाकी चाहिए प्रभु ने चार चाकी दिया, जो कुछ भी मुझे चाहिए प्रभु दे रहा है, कहाँ पर दुख है? मैं सोचता प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों नहीं आ रहा है? पॉल कितना दुख सह रहा है आपके नाम की वजह से। तो मत्ती का 5:11-12 जरा पढ़िए, Matthew 5:11-12। हाँ, अभी वो प्रतिफल बहुत बड़ा है, कब? जब आप उसके नाम के वजह से दुख सहेंगे। बहुत दुनिया के लोग, जैसे मैंने शुरुआत में नहीं बोला, सफरिंग इज देयर फॉर एवरीबॉडी, हर धर्म के लोगों के जीवन में दुख और क्लेश है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के वजह से जब आप दुख सहेंगे तब आपका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। बहुत सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, बिल्कुल इस मंडली के लोग भी बहुत सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद प्रभु को आप क्या देंगे? When you reach heaven, what are you going to give the Lord? क्या फल लेकर आए प्रभु के लिए? मतलब और किसी को लाया आपने या अकेले आया? तो प्रभु के लिए हमको भी दुख उठाना जरूरी है। We need to endure suffering for the Lord's sake. स्वर्ग जाएंगे तब बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, क्यों? अरे काश मैं औरों को बताता, अरे मेरा पड़ोसी को अगर मैं बता एक बार तो बोल देता, शायद वो बच जाता। वहां जाकर आप पछताएंगे, स्वर्ग तो पूर्ण, अरे वाह मैं तो स्वर्ग, लेकिन वहां पर एक दुख होगा आपके जीवन में, मैंने औरों को लाया नहीं है। सो आपका प्रतिफल बहुत, पौलुस का प्रतिफल तो बहुत बड़ा है, और मेरा क्या? मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो मेरा प्रतिफल क्या होगा? मैंने किसी को कुछ लाया, प्रभु के पास लेकर आया या नहीं? और इसलिए पॉल कहता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा,
वैसे मैंने भी दुख सह लिया। गलतियों का 6 का 17 जरा पढ़िए, गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 17। अगर तो कोई मुझे दुख ना दे कि मैं दागो दे में लिए फिरता हूँ। हाँ, यीशु जिस प्रकार से दाग प्रभु यीशु मसीह ने सहा, पॉल कह रहा है मुझे भी ऐसा दाग मिला। यहाँ कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहा। जो दाग प्रभु यीशु मसीह के शरीर में, हाथों में किले, पैरों में किले, सिर पर कांटों का मुकुट, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ हम जैसे पापियों के लिए सहा। और प्रभु यीशु मसीह का उस दुख भोग के वजह से, प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर उसने दुख उठाया, उसके वजह से एक चर्च का जन्म होता है। फिर पॉल भी कह रहा है कि मैंने भी ऐसे दुख उठाया, जिसके वजह से तिमोथी, लूक, गलतियों क्षेत्र में क्या हुआ, मंडलियां, कलीसियां शुरुआत हुआ। आप क्या दुख उठा रहे हैं? जोनाथन क्या दुख उठा रहा है? ये प्रश्न मेरे हम सब के जीवन में हम अपने आप को पूछना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं हर रविवार को मैं बहुत दुखी होकर मैं आऊंगा, नहीं। दुख क्लेश भुगतने का मतलब है मन में खुशी शांति, लेकिन बाहर दुनिया से हम लोगों को क्लेश। यहाँ पर मैं प्रभु को खुशी से धन्यवाद देने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक प्रकार का मतलब आप जैसे फ्यूनरल सर्विस में जाते हैं, फ्यूनरल सर्विस में क्या होता है, सब लोग दुखी है, हाँ दुख वो कर रहे हैं, तो फ्यूनरल सर्विस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग आनंद मनाने के लिए आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाया, तो खुशी की बात है। तो खुश भी नजर आना चाहिए, सिर्फ दुख नहीं है। क्योंकि कोई नया विश्वासी, कोई नया व्यक्ति आएगा, बोला मैं तो गया वहाँ पर, बहुत सब लोग रो रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ दुख से बैठे हैं, तो फिर वो कैसा संगति होगा, कैसा मंडली होगा? तो हमारे अंदर कुछ आनंद भी दिखना चाहिए। हाँ, हम लोगों को इस प्रकार से मारेंगे, गिराएंगे, लेकिन प्रभु में हम लोग आनंदित रहेंगे। तो ये दुख सहने का नतीजा है कि बहुत बड़ा प्रतिफल, और पॉल ने अपने जीवन में ये देखा। इतना दुख सहने के बाद भी फिलिपियों का पुस्तक में क्या लिखता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस, वो कैसा है हिंदी में, प्रभु में आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंद करो। ओके, तो पॉल इतना सब दुख करने के बाद भी उन्होंने प्रभु में आनंद किया। और जैसा वो हम लोग लास्ट में हम पढ़ते हैं चैप्टर एक्ट चैप्टर 14, एक आखिरी चीज़ हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ समाप्त करेंगे। वह एक्ट चैप्टर 14 वर्स 26 और 27। हाँ, तो ये जो है हमने मैप में पिछले बार देखा, ये सीरिया का एंटियोक है, वहाँ उनका कमेंडिंग असेंबली ने उनको वहाँ से भेजा, वो लोग सुसमाचार सुनाया, काफी दिन लगा, 2-3 साल लगा होगा, फिर वो वापस गया और उसी कलिसिया में उन्होंने साक्ष्य दिया, गवाही दिया कि प्रभु ने क्या क्या काम किया। ये प्रभु का काम था, जो कुछ भी हमने 13 और 14 अध्याय में पढ़ा वो प्रभु ने किया, लेकिन प्रभु हम जैसे पापियों का इस्तेमाल करता है। ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम जैसे जैसे लोगों का उपयोग करने के लिए तैयार है। क्या मैं प्रभु के काम में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? प्रभु आपका उपयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप प्रभु को समय देने के लिए तैयार है? और जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं तो प्रभु काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि द्वार तो बहुत ही बड़ा है, ये दुनिया सिलीगुड़ी शहर भी बहुत ही बड़ा है, लाखों लोग हैं, अभी तक उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, या सुसमाचार को समझ में नहीं आया, या कोई उसके साथ बैठकर सुसमाचार का मतलब क्या है समय निकालकर समझाया नहीं। तो प्रभु इस मंडली का उपयोग कर सकता है, अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपके जीवन में लोगों को लेकर आएंगे, और जब वो लोग आपके जीवन में आएंगे तो आप उनको सुसमाचार सुना सकता है, तो प्रभु उनके दिल में कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखता है कि परमेश्वर उनके जीवन में, परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किया, परमेश्वर उस काम को आगे करेंगे। और वो द्वार
वहां पर लिखा है वो खुला है। तो यही यहां पर ही मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये बात भी पिछले बार भी हमने देखा कि ये द्वार जो है विश्वास का द्वार है, और ये अन्य जातियों के लिए है, सबके लिए है, और प्रभु ने ये द्वार को खोला है। तो लॉर्ड हैज ओपन्ड इट, जैसे नूह का जो जहाज था वो द्वार को नूह ने बंद नहीं किया। किसने बंद किया? परमेश्वर ने वो बंद किया। अभी द्वार खुला है, लेकिन वो द्वार कब बंद होगा हमको पता नहीं, वी डोंट नो। लेकिन जिस दिन वो द्वार बंद हो जाएगा तब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर होगा। अभी अनुग्रह का समय, अभी द्वार खुला है, लेकिन कल वो द्वार बंद हो सकता है। उससे पहले उस द्वार से हम भी जाएं और हम भी दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ इस 14वां अध्याय को, और प्रभु अगर समय देगा तो हम लोग 15वां अध्याय में अगले हफ्ते जाएंगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।